हेलो डियर स्टूडेंट्स सभी का भाई एग्जामपुर पे बहुत बहुत स्वागत है वेलकम टू ऑल तो प्यारे प्यारे गुलगले प्यारे प्यारे लाल लाली फटाफट आज भाई सभी का एग्जामपुर पे बहुत बहुत स्वागत है जितने भी प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का भाई एग्जाम्पुर पे बहुत बहुत स्वागत है तो फटाफट आ जाओ सारे के सारे बच्चे बढ़िया तरीके से आप बढ़िया तरीके से लग जाओ फिर तो आज की जो क्लास होगी बच्चे आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो तो अब सारे बच्चों को बता दिया जाए जिन बच्चों ने पढ़ा है पांच बजे उनको तो बता दिया मैंने अब यूट्यूब पे बच्चे तुम्हारा सी एच एस एल का एग्जाम को देखते हुए मैंने यूट्यूब पे दो क्लास कर दी है एक तो पांच बजे इसमें चल रहा है ग्रामर प्रैक्टिस इसमें चल रहा है बच्चे ग्रामर प्रैक्टिस और जो दस बजे वाली क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे वोकैब और वोकैब की प्रैक्टिस दोनों ठीक है ना वोकैब प्लस वोकैब प्रैक्टिस दोनों करना है ठीक है तो बढ़िया से लग जाइए ये दोनों क्लास अटेंड करते रहिए और बढ़िया से मौज करते रहिए ठीक ना तो शुरू करें कार्रवाई तो पहले एक बात बताओ सारे बच्चे पहले ये बताओ कि वो के पढ़ोगे या प्रैक्टिस करोगे फटाफट बताओ पहले भाई फटाफट क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसका आंसर देना है ज्यादा हम बकवास नहीं करेंगे प्रैक्टिस में प्रैक्टिस में कोई बकवास नहीं फटाफट देखो और ठोको आंसर बस यही करना है चलो बच्चे स्नेहा मंतासा वेरी गुड गुड इवनिंग बच्चे जय हिंद जय भारत आ जो प्यारे प्यारे बच्चों तो शुरू करें अः एग्जाम्पुल पे फोन पे क्या कर रहा था फोन पे गुड इवनिंग बच्चे आकाश शशि विष्णु प्रिया दीपक बहुत बढ़िया विष्णु प्रिया बच्चे काफी दिनों से आप क्लास नहीं ले रहे हो रिजवान कीर्ति बच्चे, बच्चे बहुत सारे अरे तो है ना आंखों में दर्द होने लगता है तुम्हारे नाम देख देख के तो चलो बच्चे पहले वॉकएफ शुरू की जाए यानी प्रैक्टिस नहीं तो चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चे चलो मैं तो सोच रहा था पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बाकी तुम कह रहे हो गुड इवनिंग बच्चे अगर तुम कह रहे हो अच्छा प्रैक्टिस ही कह रहे हो क्या चलो फिर पहले से पहले प्रैक्टिस कर लेते ना फटाफट पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं जब पहले पीपीटी है तो सारे बच्चे एक बार अच्छे से बता देता हूं पहले हम करेंगे वन वर्ड की वन वर्ड की प्रैक्टिस है ना अब इसमें करना क्या है ये जो वन वर्ड की प्रैक्टिस जो कराऊंगा ना बच्चे प्रैक्टिस में तुम्हें कुछ नहीं करना है पहले एक बात बता देता हूं बच्चे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अगर तुम्हें सी एच एस एल निकालना है ना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बच्चे एक काम कर लो पहले 2021 के फिर 20, 19, 18 और 17 इन चार पांच साल के क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस कर लो हर सब्जेक्ट के मैं गारंटी ले रहा हूं सी एच एस एल नहीं रुकेगा फुल गारंटी लिखवा लो बच्चे दो हजार इक्कीस से सत्रह इन फाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मैथ रीजनिंग और जीएस के और इंग्लिश के अगर तुमने ऐसा कर लिया ना तो ये समझ लो तुम्हारा गलत नहीं हो सकता तुम्हारा ये समझ लो सी एस एस एल रुकेगा नहीं और सीजीएल वालों को भी ये करना है तो बच्चे जो वन वर्ड की प्रैक्टिस है ये मैं पहले तुम्हें 2021 के क्वेश्चन कराऊंगा फिर 22 के आ, 20 के फिर 19 फिर 18 और उसके बाद 17 है ना इसी तरह इडियम्सोनियम सब ऐसे करेंगे तो चलो पहला वन वर्ड ये रहा ये रहा पहला वन वर्ड तुम्हारी स्क्रीन पे फटाफट सुलो जाओ और बताओ आंसर है ना, ना फिर उसके बाद वो के पढ़ेंगे ना बढ़िया ट्रिक वाली फिर ट्रिक वाली वॉकएप भी मैंने लिया है तो लास्ट के आधे घंटे करेंगे आधे घंटे वॉकएप करेंगे ट्रिक के साथ चलो आज बच्चे आज लाइबा नेक्वी नैक्वी आज बच्चे हेलो बच्चे आज फटाफट आज तो जितने भी बच्चे न्यू हैं सभी का भाई स्वागत है एग्जाम्पल पे शेयर लाइक वगैरह कर दिया करो बाकी बाद में करना जब मजा आए तब लाइक करना पहले शेयर कर दिया करो सब्सक्राइब कर दिया करो पहला कह रहा है कि स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड यानी साउंड से भी ज्यादा स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं साउंड से भी ज्यादा जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे चलो हाँ दीपक मैं महतो आजा बच्चे तो यहां पे हमें देखो हारमोनिक क्या होता है भाई हारमोनिक क्या होता है जैसे भी कई लोग मिलके गाने गाते ना एक सुर में गाना गाते हैं उसको बोलते हैं हारमोनिक है जैसे वो वो गाना है था, छोटी छोटी स्कूल की बालिकाएं ना गाती हैं बता मेरे सुदामा है तो मतलब एक सुर लगाना अच्छा इसके बस इसका जो आंसर होगा वही बता देता हूं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो बच्चे सुपरसोनिक इसको याद रखना है सुपर सोनिक को हम क्या बोलते हैं कि ऐसे कोई भी स्पीड भाई साउंड से भी ज्यादा जिसकी स्पीड हो जाए उसको बोलते हैं सुपर सोनिक उसको हम क्या बोलेंगे सुपर सोनिक तो सारे फटाफट बच्चे बताओ ये याद रहेगा सारे बच्चे फटाफट बता दो कि याद रहेगा या फिर बताना पड़ेगा चलो सबको अच्छे से पता है चलो बच्चे बहुत बढ़िया और एक ये भी याद देख लो भाई सभी बच्चों को शेयर कर दिया है लिंक मैंने आज तो कैकोफोनिक केकोफोनिक कौन सा होता है, कि बोलते कि किर -किर आवाज है बेकार आवाज है ना उसको बोलते हैं कैकोफोनिक का मतलब जो किरकिरी जैसे कभी कभार तुम बोलते सर अच्छे से नहीं चला किरकिर -किर 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 की आवाज आ रही है उसको क्या बोलते हैं बताना है याद रखना है अब ये आया कब है 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में 12 अप्रैल को पहला पेपर यही हुआ था चलो अगला देखो एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए और ये जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चे पीडीएफ जरूर दूंगा तुम्हें बहुत सारे जिन बच्चों को मैंने पीडीएफ दी है या कहीं कहीं मिली होगी छह सौ क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ दी है जिन बच्चों को मिल गई है उनको पता हो गया आंसर इसका चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश सुनील नायक बहुत बढ़िया मोनू मिक्की आकाश अमन और बच्चे बात बिल्कुल नहीं करना है जो बच्चे नए हैं जयंता कुमार बहुत बढ़िया जयंता बहुत बढ़िया ये कह रहा है कि अ प्लेस वेर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव बच्चे ऐसी कोई जगह है जहां पे जो बौद्ध मोक होते, होते हैं ना साधु होते हैं बौद्ध धर्म के जो साधु होते हैं वो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं वैसे तो कर ही दोगे इसका आंसर सबका सही होगा चलो बच्चे पी डी एफ कहा मिलेंगे बता दूंगा क्लास के बाद तो इसका सबका आंसर सही है इसका जो आंसर है बच्चे सबका सही है एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा विकास सर का बच्चे आ तो गया क्लास ले। क्लास चल रही है बच्चे क्लास चल रही है ठीक है ना चलो बच्चे अब इसका आंसर सबका सही है ए तो बच्चे मोनेस्ट्री तो मोनेस्ट्री का नाम सुना होगा मठ है ना मठ सुना होगा जहा पे क्या रहते हैं जो बुद्धिस्ट रहते हैं जो बुद्धिस्ट रहते हैं मोंग साधु रहते हैं बुद्धिस्ट मोंग साधु तो उनको बोलते हैं मोनेस्ट्री अच्छा पेगोडा क्या होता है ये जो बौद्ध होते हैं ना बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट का जो टेम्पल होता है उसको बोलते हैं पेगोडा टेम्पल को बोलते हैं इनके बुद्धिस्ट को अच्छा स्टूपा क्या होता है ये क्या होता है जो स्तूप होता है बुद्ध का जो ना ऐसे गोल गोल स्तूप सा होता है बौद्ध धर्म वालों का तो उनको बोलते हैं स्टूपल स्टूपा ठीक है ना तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेस्टी जहां पे रहते हैं अगला क्या है कि डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स बच्चे जो हड्डियों की बोन का मतलब हड्डिया हो गया भाई तो बोन प्रॉब्लम को देखने वाला डॉक्टर को क्या कहोगे चलो बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया जिस दिन मैं तुम्हें कराऊंगा सारे डॉक्टर एक साथ लिखवा दूंगा कि कौन से डॉक्टर क्या इलाज करते हैं चलो तो इंग्लिश बहुत कमजोर है दीपक महतो आजा बच्चे आजा बातें नहीं करना है ठीक है अब बाकी इनको अच्छे से करते रहना ना मैं आंसर आंसर बता देता हूं अब बच्चे कह रहे कि डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स तो उसको क्या बोलोगे भाई डर्मेटोलॉजिस्ट ये जो डरमे कहीं भी आ जाए ना जैसे हम डरकूल पाउडर लगाते हैं तो पाउडर कहां लगाते हैं बच्चे स्किन पे अब ये तो मुंह मुंह खोल के में लगाएंगे नहीं ना तो बच्चे डरमेटोलॉजिस्ट का स्किन तो स्किन से रिलेटेड अगर आता है तो तो बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो इसका आंसर हो नहीं सकता अच्छा जो पैरों का ध्यान रखता है यानी पैरवार पैरों में अगर सूजन आ गया तो उसको बोलते हैं कीरोपोडिस तो ये भी नहीं हो सकता क्रोपेडिस्ट क्या होता है जो का तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है टेथ वगैरह का इसका है ना डेंटिस्ट आ गया तो ये तो टेथ वाला हो गया तो ये ऑप्शन कट गया तो इसका आंसर हो गया का मतलब हड्डियों का है ना चलो बच्चे इसका ऑर्थो ऑर्थो वाला हो जाएगा बोलते ना कि ऑर्थो वाला डॉक्टर को दिखाओ हड्डी टूट गई को पास ले जाओ औथों वाला देखता है चलो बच्चे सबका सही है किसी का गलत नहीं है अब यह दो हजार इक्कीस बारह अप्रैल आप में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चे प्रैक्टिस में बिल्कुल टाइम नहीं लेना है ये अपने स्टेटिक जीके होती ना तो यह समझो स्टेटिक इंग्लिश है ये ठीक है बच्चे मैं तो बच्चे मैं तो बात नहीं बच्चे देख लिया मैंने इंग्लिश बहुत कमजोर है दीपक है ना बार बार मत लिखो बच्चे इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन उसको क्या बोलते हो यानी कि बंडल होता है ना स्टोरेज स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो उसको क्या बोलेंगे चलो बच्चे बात नहीं चलो बच्चे बच्चे बहुत बढ़िया तो इसका आंसर देखो भैया बेबी बेबी क्या होता है ए ग्रुप ऑफ अभी बेबी मैंने बताया था ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों का जो झुंड लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बेबी है ना और ब्रूड क्या होता है जैसे किसी कोई एनिमल है उसका जो छोटा संतान होता है है ना ब्रूड बोलते हैं अच्छा बकेट पता ही सबको तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेल इसका आंसर क्या है बेल बेल ठीक है तो बच्चे इसका आंसर है ए तो ये काफी बच्चों का गलत है काफी बच्चों का सही है हाँ डेमो क्लास नहीं बच्चे डेमो कुछ नहीं होता एल्फा बैच का एक बच्चा पूछ रहा है कि एल्फा बैच का डेमो क्या बच्चे डेमो नहीं होता है ना डेमो वगैरह कुछ नहीं होता ये तो बस दुनिया ने बना रखा कि भाई डेमो लो पहले डेमो कुछ नहीं, तो नहीं है बच्चे वो तो बहस सात तारीख से स्टार्ट होगा है ना ये क्लास चलती रहेगी अब इनका मतलब नहीं है बच्चे क्लास रेगुलर है ये डेली पांच बजे और दस बजे मेरी क्लास होती है ये चलता रहेगा ठीक है ना इसमें डेमो का कुछ नहीं ऐसा ये तो सात तारीख से क्लास शुरू हुई है इसमें तो बहुत ही भयंकर तरीके से प्रैक्टिस चलेगी तो इसको ज्वाइन कर लेना तो इसका आंसर हो जाएगा बेल बेल का मतलब होता है लार्ज बाउंड बंडल बाउंड फॉर स्टोरीज और ट्रांसपोर्टेशन अगला क्वेश्चन देखो ज्यादा बात न करके फटाफट आंसर मैं चाहूंगा कि एक भी बच्चा इसमें क्या नहीं करना है एक भी बच्चा कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करना है इंग्लिश लाइक लंबोग्नि और मेरी इंग्लिश मारुति एंड एट हंड्रेड है वाह वा मिक्की है तुम तो मैं कुटूंगा पकड़ गया अगर फालतू बकवास करी अगला है कि हु स्टडीज इलेक्शंस भैया कोई भी ऐसा पर्सन जो इलेक्शन का अध्ययन करता है या वोटिंग जो डाटा होता है ना उसका जो अध्ययन करता है तो अच्छा एक याद रखो एक वर्ड होता है सेफोलॉजी अभी एक वर्ड होता है सेफोलॉजी सेफोलॉजी में क्या होता है कि द स्टडी ऑफ अभी इसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ यानी किसकी स्टडी भाई इलेक्शन है ना जब इलेक्शंस की जिसमें अध्ययन किया जाता है इलेक्शंस या

इवनिंग का एक और रह गया है, फिर अप्रैल पे चलेंगे, ये भी सही होना चाहिए भाई ये कह कि कि और यानी कोई भी ऐसा काम, मतलब काम मतलब करते हैं, है ना? जैसे कुछ बच्चे हैं अजी अभी अभी देखो कुछ ऐसे लिख दिया है ना ऑकवर्ड सा गलत सा कॉमेंट कर देते हैं ज्वाइन करें बच्चे एग्जामपुर ऑफिशियल डाउनलोड कर लो सारे जिनको भी अल्फा लेना है एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो उसमें दिख जाएगा है ना पेड कोर्स में जाओगे उसमें अपने आप दिख जाएगा एल्फा बैच ठीक है बच्चे तो तो मतलब कोई भी ऐसा काम जो ऑकवर्ड करते हैं बेकार बिहेवियर से करते हैं तो उसको क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगे फटाफट आंसर दो बहुत बढ़िया बच्चे तो कोई बच्चे इसका सी बता रहा है काफी बच्चे बहुत बढ़िया रितिका सिंह योशी ग्रामर के बच्चे पांच बजे ग्रामर की जो क्लास होती है वो पांच बजे होती है ग्रामर वाली अपनी पांच बजे क्लास होती है ठीक है चलो बहुत बढ़िया लग जाओ फटाफट लग जाओ सभी बच्चों का इसका आंसर सही होना चाहिए सभी का लगभग सही आ रहा है तो इसका आंसर बच्चों ने ब... कोई न... ओहो, कोई डी बता रहा है कोई बी बता रहा है चलो भाई और देखो चलो तो काफी बच्चों का गलत है ये काफी बच्चों का गलत हुआ है चलो बच्चे आ मई पढ़ाऊंगा बच्चे परसम परसम पे भी मई हो और एल्फा पे मैं समझ लो इंग्लिश मेरे हाथ में सारी टेंस लिया करो तो बच्चे अब कोई भी अगर, अगर हम ऑकवर्ड काम करते हैं जब भी अगर हम ऑकवर्ड काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चे फंबलिंग फंबलिंग बोलते हैं इसको अच्छा इसके अलावा फाल्टरिंग क्या होता बोलते है बोलते हैं वो फाल्टर हो गया वो डिफॉल्ट हो गया फॉल्ट हो गया टू बिकम वीक इसको बोलते हैं टू बिकम वीक यानी कमजोर हो जाना यानी टू बिकेम वीक यानी कोई भी काम करने के लिए अच्छा इसके अलावा हेस्टिंग क्या होता है यानी क्विक जो भी ऐसा काम तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बच्चे बिल्कुल तो तो, सही आंसर आया है निराला का बिल्कुल सही आंसर है एस्पिरेंट पेरेंट बच्चे बहुत बढ़िया सुरबी का भी सही है अच्छा

सर, आई हैव डन तो बच्चे हैव डन आ गया पिंटू तो जब के बाद वी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स कोई भी ऐसा पर्सन जो मैप बनाता हो उसको क्या बोलोगे मैप बनाने वालों को क्या बोलेंगे फटाफट बताओ भाई कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर तो वो होता है जो नाच गाना सिखाए अभी जो नाच गाना सिखाता है ना उसको तो क्या बोलते हैं कोरियोग्राफर अच्छा कैलीग्राफर क्या होता है जो हैंड राइटिंग सिखाता है है ना लिखना सिखाता है वगैरह सिखाता है अच्छा इसके अलावा ये सॉफर क्या होता है चालक चालक भाई ये तो होता है है ना और इसके अलावा बच्चा क्या कार्टोग्राफर तो भैया कार्टोग्राफर का मतलब जो मैप बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर अच्छा तुम्हें पूछ ले कि अगर मान लो ऐसे कौन सी साइंस है या कौन से अध्ययन है जिसमें मैप ड्रोविंग सिखाते हैं तो वो हो जाएगा कार्टोग्राफी हो जाएगा कार्टोग्राफी ठीक ना तो इसका भी याद रखना जब अगर आ, सिखाने वाला है करने वाला तो ग्राफर है। और इसलिए अगर साइंस आगे तो ग्राफी है ना है ना ग्राफी लग जाएगा चलो नेक्स्ट तो ये काफी बच्चों का सही था ऐसी चीज तो आराम से कर ही देते हो आ, ये भी मुझे लग रहा है सही हो जाएगा बाकी वैसे हार्ड है भाई ज्यादा इजी नहीं है हार्ड है तो इसको अच्छे से करना है बच्चे मिक्की, सारी वॉकेब रिपीट होती है असस्सी में समझ लो सारी की सारी वो के रिपीट करते हैं इतने मेहनती लोग हैं नहीं असस्सी वाले इतने मेहनती लोग नहीं है कि अगर वो कोई चीज है उसको बढ़िया से है ना इतना टाइम ही नहीं उनके पास चलो अब इसका आंसर और बता दो फटाफट इसको क्या करोगे यानी द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट भाई जो पास्ट के बारे में सोचता है उसको क्या बोलेंगे रेट्रोइपेक्शन बोलेंगे इंट्रोइपेक्शन बोलेंगे इंस्पेक्शन तो इसका इंस्पेक्शन तो हो नहीं सकता इसका तो मतलब छानबीन करना इंस्पेक्शन का मतलब होता है छानबीन करना और सरकम इंस्पेक्शन इसका मतलब होता है जो एकदम से है जो प्रजेंट के बाद सोचता है। का मतलब जो अच्छे बात है समझदार होता है समझदार बोलते है इसको समझदार बोलते इसको बोल सकते हैं है ना प्रूडेंस समझदार समझदार बोल सकते हैं प्रूडेंस और बच गए दो रेट्रो और इंट्रो इंट्रो का मतलब जो आज की सोचता है वो इंट्रो और जो पास्ट की सोचने लगता है वो हो जाएगा रेट्रो इंस्पेक्शन रेट्रो इंस्पेक्शन तो उसको बोल देंगे बच्चे इसको बोल देंगे ए इसका आंसर हो जाएगा रेट्रो इंस्पेक्शन अगला देखो बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश अ पेशेंट विद इमेजनरी सिम्टम्स एंड डिजीजेज इसको क्या बोलोगे इसको क्या बोलोगे चलो बच्चे बहुत बढ़िया परी जयंता विशाल संजीव पिंटू बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया वेल डन बच्चे बहुत बढ़िया शाबाश राकेश संजीव विष्णुप्रिया ऑफिशियल पृथ्वीराज नेहा बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे गुलगुलो इसका आंसर बता दो कोई भी ऐसा पेशेंट जो सिम्टम्स एंड डिजीज बताता है 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 उसको लगता बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके दिमाग में रहता है यार मैं बीमार हूं उनके दिमाग में रहता है यार मैं बीमार हो जाऊंगा मैं बीमार हूं बल्कि हो ना हो अरे यार मेरा ना मेरे खांसी यार ये मेरे कोरोना हो गया है ना कुछ लोग तो होते हैं ऐसे पैनिक होते रहते हैं एक बार अगर हल्की सी खांसी आ गई सांस आ रहा ओहो मेरे कोरोना हो गया मर गया है आग लग गई तो ऐसे कुछ लोग होते हैं है, तो उसको क्या बोलते हैं अभी तो तो अब देखो ये है मिलन क्लिक। तो बच्चे, मिलन क्लिक है बच्चे का मतलब होता जो सैडनेस दिखाता हो मिलन क्लिक का मतलब क्या होता है उदास तो जो सैडनेस दिखाता है तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं कार्डियक इसका रिलेशन होता है हार्ट से इसका रिलेशन होता है हार्ट से ये भी नहीं हो सकता एल्कोहलिक तुम्हें पता ही है बेवड़े तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी बच्चे इलिमिनेशन वाला एक बात याद रखना बच्चे जो मैं इलिमिनेशन करना सिखाता हूं ना जैसे मैंने वॉइस में करना करना सिखाया ना? Narration में eliminate करना सिखाया है है ना नरेशन में या फिर में eliminate करना सिखाया है इसी तरह ऑप्शन देख के बच्चे में भी यह बताया है तो जो इलिमिनेट करके जिस हिसाब से मैं करा रहा हूं ना वैसे देखना एग्जाम में भी तुम्हें आराम से सही तुम्हें भी सही लगते हैं अब अगर मान लो ये तीन के बारे में तुम जानते हो अब इसके बारे में ना भी जानते हो ना तो भी आंसर हो गया तो भी इसका बच्चे आंसर हो गया ठीक है तो बच्चे पीडीएफ मिलेगी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कर लो जिससे पीडीएफ मिल सके चलो अगला कह रहा है, कि और चांस रादर देन और रीजन और है प्लान मन माना बोलते ना कि मनमोजी अभी कभी सुनागा कि मनमोजी आदमी कोई सोचना नहीं भाई चलो करने दो है ना फटाफट चांस दो किसी को मतलब कोई कोई सोचना विषय नहीं है ठीक है ना नहीं नहीं सिंपल पास्ट अरे सिंपल पास्ट होता है वर्क सेकेंड फॉर्म ठीक है सिंपल पास्ट आज तो बेस्ड ऑन चांस रादर देन एन रीजन और प्लान फटाफट बता दो इसमें क्या करेंगे तो इसका देखो एक तो हो गया ऑर्डिनरी ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये दोनों लग रहा है भाई ऑर्डिनरी का मतलब बिल्कुल जो एकदम साधारण टाइप का होता है और ये हो गया असाधारण तो इसका तो मतलब है नहीं या तो सिंपल ये असाधारण तो ये तो हो नहीं सकता अच्छा इनमें थोड़ा सा हो सकता है भाई यूनिक मतलब बढ़िया उसके, उसके कोई है नहीं अच्छा जो मन होते हैं वो यूनिक तो हो ही नहीं सकते मन मोजे आदमी यूनिक तो हो ही नहीं सकता पागल हो गया वो तो थोड़ा टाइप का तो इसका आंसर होता बच्चे आर्बिट्रेरी 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 मनमानी आर जो मनमानी करता है चलो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी तो ये चीजें याद करना बच्चे इनको भले लिख भी लेना है ना वन वर्ड लिख लिया ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है बस इनके साथ साथ आंसर लिख लेना ठीक है ना ताकि पीडीएफ की जरूरत नहीं है बच्चे इनके लिखना और इनका आंसर लिखना है ठीक है ना लिखोगे तो आइए याद भी रहेंगे जिंदगी भर अगर जो चीज तुम लिख कर अगर पढ़ते हो ना बच्चे जिंदगी भर याद रहते हैं वो चीज हमेशा जिंदगी भर याद रहता है चलो फटाफट बताओ ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड भाई ऐसा कोई बच्चा जिनके मम्मी पापा गुजर गए हो तो उसको क्या बोलेंगे चलो बच्चे बहुत बढ़िया साबास बच्चे बहुत बढ़िया साबास चलो अब इसका तो सबका आंसर होगा ये कौन है? स्वीटी स्वीटी ओ, खाना खाने हैं तो तो बच्चे चाइल्ड पेरेंट्स आर पता ही है मतलब इसको क्या बोलते हैं अनाथ है ना अनाथ ये तो सबका सही है तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है अगले पे चलते हैं अब अगला है सोलह तारीख को आया है सोलह अप्रैल सोलह अप्रैल दो हजार इक्कीस में में आया हुआ है फटाफट बताओ ये कह रहा कि एन इमेजनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस उसको क्या बोलोगे ये बहुत ही ये बहुत ही बढ़िया ये अच्छा है नया भी मिलेगा तुम्हें है ना उटोपिया तो ये नया रहेगा तुम लोगों के लिए फटाफट बताओ इसका आंसर क्या करोगे भाई जो इमेजनरी होता है ना इमेजनरी जो स्टेट होती है परफेक्ट स्टेट उसको क्या बोलते हैं तो ये सभी का सही होना चाहिए आप जिसको सीधा साधा बोलते हो हम तो वैसे बदनाम थे अरे वाह वाह मिकी तू पिट जाएगा तू कुट जाएगा मेरे हाथ से पढ़ ले नहीं कुटूंगा तु तुझे ओ बावली त्रेड चलो बच्चे तो इसका आंसर सबका सही होना चाहिए बहुत बढ़िया शाबाश चलो बहुत बढ़िया तो इसका बच्चे जो आंसर है यानी कोई भी इस जो इमेजनरी या परफेक्ट स्टेट जो प्लेस होता है उसको बोलते हैं यूटोपिया

अच्छा अब इस ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कभी कभार जो साइंस के बच्चे उनका सबका जाता है, वो छोटी उसकी संख्या होती है। तो नेगेटिव में, या में होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं नेग्लेट कर देते हैं उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं हाँ बच्चे डेली क्लास होती है दस बजे वॉकैप की क्लास होती है और पांच बजे ग्रामर की पांच बजे ग्रामर की ये दो अपनी यूट्यूब पे क्लास होती हैं और अगर एप्लीकेशन फुल पढ़ना है बच्चे फुल बेज के लिए परेश को जिसको सी एच एस से लेना है वो एल्फा बेच ज्वाइन कर लेगा ये इसमें वॉकअप चलेगी ठीक है ना तो अब यह करे कि सो so स्मॉल और ये अन इम्पोर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग इसके लिए क्या करेंगे यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बच्चे उसको सीधी सी बात है उसको क्या बोलते हैं नेगलिजिबल बोलोगे ये ये सबका सही है लिए लगभग सभी बच्चों का सही आ गया है इसमें किस को ही बच्चा मारने खाया है चलो बच्चे बहुत बढ़िया शाबाश दीपक रिया अनिल बहुत बढ़िया नायक एस्पिरेंट बहुत बढ़िया क्या बात रहा? वाँ भी वाँ। बहुत बढ़िया ठीक है ना चलो बच्चे बहुत बढ़िया अब देखो सभी का सही है सबका सही है इसमें नेगलिजिबल हो गया अच्छा इनविंसिबल का मतलब जिसको जीता नहीं जा सके हाँ फिसिबल का मतलब क्या तो जो आसानी से किया जा सके और प्लॉसिबल का मतलब आसानी से विश्वास किया जाए तो इसका आंसर हो गया ए, ए, इसका आंसर हो गया चलो next. जल्दी करो टाइम होने वाला है फिर हमें वो भी पढ़ना है मजेदार ट्रिक वाली भी करनी है इसको और देखो इसमें इन एन एंथिक वे उसको क्या बोलोगे उसको मतलब दिल से अगर कोई काम करते हो हाँ भाई भाई ऐसा कोई है जो दिल से मतलब पूरे उत्साह से कोई काम करते है, इसका मतलब दिल से काम करने वाला तो ऐसा कोई भी काम जो हम दिल से करते हैं बच्चे उत्साह से होता है जैसे कुछ बच्चे दिल से सी एच एस एल एम टी एस इनकी तैयारी करते हैं तो मतलब वो दिल से करते हैं दिल से तैयारी करते हैं तो इसका ये तो हो नहीं सकता है ना अनेस्टली भी नहीं हो सकता हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है इनकरेज का मतलब उत्साह से बट इसका बच्चे जब दिल से अगर दे रखा ना तो हार्टली इसका सही इसका जो वन वर्ड है वो सही हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है ना चलो बच्चे बहुत बढ़िया फटाफट देखो आगे बढ़े अब फटाफट देखो द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अर्थ इट्स कंपोजिशन अब कंपोजिशन ये तो सबको पता होगा अब फटाफट तो अब देखो मेट्रोलॉजी बच्चे मेजरमेंट जिसका अध्ययन करते हैं मेजरमेंट मेट्रोलॉजी बायोलॉजी जोलॉजी पता है तो इसका आंसर हो गया इसका आंसर हो जाएगा जियोलॉजी इसका आंसर है जियोलॉजी बहुत बढ़िया बिल्कुल बच्चे थॉमस थॉमसरो द्वारा लिखा गया तो बहुत अच्छे तो देखो द ब्रांच ऑफ साइंस विद द स्टडी ऑफ अर्थ की बात आ जाए या इसकी की बात आ जाए तो कहा किस में देन किया जाता है जियोलॉजी जियोलॉजी में जियोलोजी में अर्थ का अध्ययन किया जाता है तो ये सबको पता है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी अगला देखो प्यारे प्यारे गुलगुलो बहुत बढ़िया ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और भाई ऐसे होता है तो ना म्यान बोलते हैं कि जिसमें भाई चक्कू रख देते हैं या फिर म्यान रख देते हैं ना जैसे मारना पड़ता है निकाला हैं, मार दिया निकाली तलवार म्यान बोलते हैं जिसमें तलवार रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं तो ये देखो ये तो हो नहीं सकता अब देखो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता अब केस का मतलब होता है जैसे डब्बी होती है जैसे ड्राइविंग बॉक्स होता है है ना सूटकेस होता है सूटकेस का नाम सुना सूटकेस तो उस टाइप का जैसे भाई ड्राइविंग बॉक्स हो गए उसको करा जड़ दिया और ऐसे लगा दी लगा दी चैन लगा लगा तो तो ये भी नहीं हो सकता अब सिल्ड। सिल्ड क्या होती है? भाई सिल्ड होती है है भाई जैसे जैसे वो लड़ते हैं, जैसे लड़ते हैं हैं तो तलवारबाजी आगे लगा देते हैं बचने के लिए तो उसको बोलते हैं सिल्ड। वैसे तो जो ट्रॉफी स्कूल में मिलती है ना अभी जो ट्रॉफी हमें स्कूल में मिलती थी तो उसको भी सिल्डी बोलते हैं ना इस टाइप का होता है तो उसको भी सिल्डी बोलते हैं तो इसका आंसर नहीं है तो उसको बोलते हैं सीध जो म्यान होती है ना जो म्यान होते हैं जिसमें क्या रखते हैं जिसमें तलवार वगैरह रखते हैं तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं मियान को है ना तो उसको बोलते हैं सीत उसको सीत बोलते हैं नेक्स्ट अगला देखो क्या है प्यारे गुलगुलो कि सेवन साइडेड फिगर भाई जिसकी सात साइड हो भाई एक तो होता है मोनो एक तो होता है मोनो है ना मोनो का मतलब एक के लिए मोनो यूज करते हैं दो के लिए डाई यूज करते हैं है ना दो के लिए डाई तीन के लिए ट्राई करते हैं चार के लिए टेट्रा करते होंगे पांच के लिए शायद पेंटा करते होंगे है ना भाई मुझे साइंस वगैरह तो आती नहीं है पेंटा हेक्सा हेप्टा हेप्टा है है ना ना नैनो नैनो या ना पी, पीरो पेंटा बहुत होते हैं डेक्का तो बच्चे अब बता दो अब सारे लिखवा दिए मैंने सारे लिखवा दिए हैं अब इनमें से ही कोई एक पूछ सकता है क्या बता भाई इस बार सेवन के बजाय फोर आ जाए तो कौन सा करोगे तो कौन सा हेक्सा नहीं काफी बच्चों ने गलत कर दिया गलत कर दिया गलत कर दिया अरे हेक्सा का मतलब तो हेप्टा करना है सी सी करना है बच्चे चलो ये हो गया छह वाला ये पांच वाला ये आठ वाला ये सात वाला ठीक है ना अगला देखो फटाफट जल्दी करो टाइम निकला जा रहा है फिर अपने ट्रिक के साथ मजे वाली क्लास भी शुरू होने वाली है एक बच्चा बोला था विकास सर की क्लास में बड़ा मजा आता है बच्चे मजे तो आएगी ना तुम्हारे दिमाग में सीधा छप जाते हैं जो वॉकएप कराता हूं चलो अभी बारी आने वाली है बस थोड़ी देर जाओ अभी कह रहा कि विड्रॉ विड्रॉ फ्रॉम आई फॉरवर्ड पोजिशन इन बेटल कभी कभार क्या होता है ना कि कोई ऐसा आदमी होता है हा भाई मैं लट गाड़ दूंगा मैं आ गया हूं सारे मेरे पीछे अब कभी कभार आता है डर जाता है तो उसको पकड़ के पीछे कर देते हैं यानी पोजीशन चेंज कर देते हैं जैसे ओके फुटबॉल में क्या होता है कि कोई स्ट्राइकर होता है है ना वो कहता चल भाई मैं आगे जा रहा हूं मैं स्ट्राइकर करूंगा पड़ता चलता है उसकी बस की नहीं है तो उसको वापस क्या करते हैं वापस बुला लेते हैं ना तो उसको क्या बोलोगे भाई रिसोर्ट तो हो नहीं सकता ऐसा तो है जहां पे मौज मस्ती करने जाते हैं लोग यानी हॉलिडे मनाने जाते हैं रिसोर्ट बोलते हैं है ना रिसोर्ट या रिसोर्ट अब रिस्टोर तो हो नहीं सकता रिक लोकेट का मतलब लोकेशन चेंज करना ये भी नहीं हो सकता तो इसका आंसर हो जाएगा रिट्रीट अब बच्चे याद रखना रिट्रीट रिट्रीट वर्ड के साथ कभी बैक नहीं लगाना है ये बात याद रखना रिट्रीट आ गया या रिटर्न आ गया है ना रिम्बर्स आ गया तो बच्चे इनके साथ कभी भी बैकवर्ड का यूज नहीं करना है ये लो भाई ग्रामर वो कह भी ग्रामर होगी तुम्हारी अगला देखो प्यारे प्यारे सेर सेर के रिलेटिंग टू द गुलेटिंग टाइम भाई जो ऐसा रिलेटिंग यानी टाइम से रिलेटेड प्रजेंट टाइम से रिलेटेड क्या होता है उसको क्या बोलेंगे यानी जो प्रजेंट टाइम से रिलेटेड है तो उसको देखो इसका सीधा सी बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार आया है काफी बच्चों का सही हो गए इसको बोलेंगे

एक जिंदगी है एक बार बचे एक बार अगर दो चार महीने बढ़िया से मेहनत कर ली ना जिंदगी भर साठ साल उसके बाद चालीस साल बच्चे आराम की जिंदगी काटो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे तुम्हारे पोते भी पोतों के बेटे भी सब मोज लें एक तुम्हारी तीन चार महीने तीन चार महीने की तुम्हारी जो मेहनत है बच्चे तुम्हारी मम्मी पापा खुश भाई बहन खुश ताऊ ताऊ खैर ताऊ वगैरह तो नहीं खुश होते फिर भी हो जाते हैं ना इसके अलावा तुम्हारे बच्चों के बच्चे बच्च, उनके बच्चों के बच्चे कितने लोगों को तुम खुश कर सकते हो बस तुम्हारी तीन चार महीने की मेहनत है बच्चे चलो इसका आंसर बताओ अ पर्सन हु कंपोजेस द ऑफ स्टेप्स एंड मूव फॉर अ डांस परफॉर्मेंस यानी जो नाच गाना सिखाता है सीधी सीधी सी बात है जैसा नहीं होता कि एक यहां खड़ा कर दिया एक उधर खड़ा कर दिया फिर उनका नाच गाना शुरू करवा देते हैं ना स्टेप सिखाते हैं कि कैसे स्टॉप करते हैं ना ऐसे नहीं करते वो ना, रोबोट होता है कैसे करवाते हैं तो उसको जो स्टेप सिखाता है उसको क्या बोलते हो अभी कोरियोग्राफर उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर बताया था मैप वाला और कैलियर तो बताया अभी थोड़ी देर पहले तो इसका आंसर हो गया डी डी इज द आंसर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर बच्चे ऐसा कोई एनिमल जो कहां रहता है पानी में रहता है फटाफट बताइए देखो नाच गाने वालों को देखो नाच गाने वाला किसी का भी गलत नहीं हुआ तो बच्चे जो एनिमल पानी में रहते हैं अब देखो एक्वा एक्वा का मतलब पानी ये वर्ड कहीं भी आ जाए ना एक्वा तो बच्चे एक्वा का मतलब पानी जल नीर है आप टेरिस्टेल का मतलब जमीन पे रहने वाले ये जमीन वाला हो गया और ये ट्री ये पेड़ के ऊपर रहने वाले पक्षी हो गए कुछ भी पेड़ों पे रहने वाले और ये हो गया हवाई एयर में रहने वाले तो इसका आंसर हो गया बी अगला देखो फटाफट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स भाई यूनिवर्स का जिसमें अध्ययन करते हैं यूनिवर्स का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको क्या, क्या बोलोगे भाई हाँ भाई प्यारे प्यारे गुलगुल क्या बोलोगे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये तो क्या एस्ट्रोलॉजी है एस्ट्रोलॉजी है? का मतलब नक्षत्रों के बारे में बताना है ना कि भाई हाथ देखते ना कि भविष्यवाणी करते हैं है? तो ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं तो ये तो इसका आंसर नहीं है गेमोलॉजी हो नहीं सकता साइकोलॉजी हो नहीं सकता एस्ट्रोनॉमी होता है इसका आंसर चलो यह पता ही था सबको ये और बता दो कि ईट और ड्रिंक फूड क्विकली जो ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे होंगे फटाफट खाते हैं दबा दबा के उनको लगता है कि दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कोई ऐसा आदमी जो फटाफट दिमाग है ना फटाफट खाता है ना देखे होंगे बहुत सारे लोग इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा लेंगे और ऐसे रहते हैं बोले जल्दी जल्दी उनको ये लगता है कि दोस्त दोबारा मिलेंगे ना जिंदगी में है तो उसको बोलते हैं गल्प उसको बोलते हैं बच्चे गल्प लिख लेना इनको लिख लेना इनको चलो दो और बच के फिर करते हैं बढ़िया सी कार्रवाई तुम्हारी अ है ना तो फटाफट इसका आंसर बता दो ये वैसे सबका सही होगा किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए चलो बच्चे इस बार बच्चे मुझे हर एक बच्चे की हर एक बच्चे का हर एक बच्चे का मुझे क्या चाहिए हाँ भाई चाहिए बच्चे बढ़िया से तो कुछ भी करो हो जाना चाहिए ठीक है ना आ जाओ तो भैया जा जहां पे कॉइंस वगैरह मिलते मिंट बोलते हैं मिंट उसको क्या बोलते हैं मिंट सबका सही है अब एक लास्ट का और देखो फिर हम चलते हैं ट्रिक के पास एक लास्ट का और देखो फटाफट हमने बढ़िया ट्वेंटी फाइव वन वर्ड कर लिए अब कल इडियम्स हो जाएंगे फिर कभी सिनोनिम्स हो जाएंगे फिर एंटोनिम हो जाएंगे ठीक है ना बहुत बढ़िया शाबासे बहुत बढ़िया अरे वाह भाई वाह मजा आ गया बच्चे तुम्हारी इतनी जितनी जो मेहनत कर रहे हो ना बच्चे तुम्हारी मेहनत देख के बड़ा मजा आ गया क्या बात है इतना बढ़िया बच्चे तो यही डेडिकेशन बच्चे इस बार तुम्हें सिलेक्शन दिला देगा हर एक बच्चे का सिलेक्शन चाहिए कुछ भी हो जाओ बच्चे लेना जरूर है कुछ भी हो जाओ सिलेक्शन जरूर लेना है बहुत बढ़िया शाबाश नॉलेज अब देखो ये कह रहा हूं वन हु इज इस इजिली डिसीव कोई ऐसा आदमी जो इजिली क्या हो जाता है बच्चे जो इजिली क्या हो जाता है जिसको इजिली धोखा दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं जिसको इजिली धोखा दे देखो फ्लेक्सिबल, या है? है सा बच्चे, सा, ऐसा होता बचपन में देखो बचपन में याद करो अपने वो दिन कि ऐसा कोई लड़का होता था अपने अपने साथ अपने मोहल्ले में उसको हम कभी भी बेवकूफ बना देते थे ना और फिर कहते देते थे, थे कितना बेवकूफ है इसको बात पता ही नहीं है तो मतलब कोई भी ऐसा बच्चा कोई भी इंसान जिसको आसानी से बेवकूफ बना दे गुल्ली बल गुल्ली बल लिख लो इसको दोबारा भी आ सकता है तो बोलो भाई सारे बच्चे फटाफट बोलो भारत माता की जय, सारे बच्चे फटाफट बोलो भारत माता की जय, अब स्टार्ट करते हैं बच्चे आगे अपना आता है क्या अब चलो एक बार करते हैं कार्रवाई आगे इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है बढ़िया से शुरू करते हैं वोके वाली कहानी अब वो दिन शुरू हो गया है अब जो वॉकएप शुरू करेंगे तो सारे बच्चे बताओ ट्रिक वाली पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो फटाफट बच्चे अब ये समझ लो इस बार हर एक बच्चे का सिलेक्शन चाहिए हर एक बच्चे का सिलेक्शन चाहिए बच्चे और अगर मजा आए ना अगर बच्चे मजा आ रहा है ना एक बार लाइक कर दो मेरे लिए एक बार लाइक करके दिखा दो जाने कितने बच्चे लाइक करे अभी देखता हूं मैं कितने बच्चों ने लाइक कर रखा है दो है इतने बच्चे तो भाई पहली बार लाइक किए हैं मुझे लग रहा है इतने लाइक तो मुझे मिलते नहीं है पर तुम्हारा बच्चे जो प्यार है ना वो मुझे हमेशा मिलता है तुम्हारा प्यार हमेशा मिलता है बच्चे बहुत बढ़िया तो चलो भाई शुरू करते हैं बढ़िया से अच्छे से शुरू करते हैं तो इस पिक्चर को देख के बताओ मुझे क्या दिख रहा होगा चलो बहुत बढ़िया पच्चीस में से पच्चीस आप दिए रेडी हो तो सारे बच्चे जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है ना शेयर जरूर कर दो लाइक कर दिया करो सब्सक्राइब कर दो और घंटी जरूर दबा देना ताकि वीडियो तुम्हें मिलती रहे तो बच्चे पहला अब आराम आराम से अब बिल्कुल आराम आराम से स्लोली स्लोली अब इन महारानी को देखो क्या लग रहा है अब देखो तो ये सोच रही है कुछ है ना ये सोच रही है मतलब इसको लग रहा है भाई इसका हस्बैंड है मान लो इसको देख के लग रहा है कि इसका आदमी कहीं कमाने गया है हैं ऑफिस गया होगा अब इनको पता पीछे से कोई काम तो है नहीं अब आराम से सोच रही है कि मेरा आदमी क्या कर रहा होगा हैं बगल वाली के साथ क्या बात कर रहा होगा हैं या काम पे होगा या ऑफिस गया कि नहीं गया, गया। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा ही सोच रही होगी है भाई कुछ ना कुछ उल्टा ही सोच रही होगी मतलब ये क्या कर रही है संदेह कर रही है भाई ये क्या कर रही है संदेह कर संदेह कर रही है तो ये संदेह से है इसको देख के लग रही है ना थोड़ी सी डाउट कर रही है सी तो सी लग 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 रही रही है 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 ना तो रहा कि नहीं लग रहा तो भाई इसको देखो तो यही लग रहा है तो अगला अब जो वर्ड रिलेट, तो वर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है सेप्टिकल पहला वर्ड है सेप्टिकल सेप्टिकल है ना कपटी अब देखो इससे रखो कपटी तो बच्चे इस कपटी इस कपटी तो भैया हाँ, अब इसकी याद रहेगी सेप्टिकल का मतलब इस कपटे इस कपटे तो इस कपटे की कल की बातें सुनकर हमें संदेह हो गया है तो बच्चे संदेह हो गया है तो ऐसा कोई भी इंसान जो क्या होता है संदेह होता है यानी संदेह करता है यानी डाउट करता है किसी के ऊपर तो बच्चे सेप्टिकल जो वर्ड है वो एजेक्टिव होता है यानी इसको बोलते हैं डाउटफुल और क्या बोल सकते हो भाई डाउटफुल बोल सकते हो क्या सारे बच्चे बताओ क्या मैं इसको डाउटफुल लिख सकता हूं डाउटफुल है डाउटफुल लिख सकते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डाउटफुल ठीक है बच्चे तो याद रहेगा तो बोलो सेप्टिकल सेप्टिकल बोलो मेरे साथ बच्चे सेप्टिकल सेप्टिकल बच्चे बहुत बढ़िया सेप्टिकल तो बच्चे सेप्टिकल का मीनिंग क्या हो जाएगा संदिह डाउटफुल तो यह इसका सिनोनिम रहा डाउटफुल तो याद रहेगा ही डाउटफुल तो तुम्हें याद रहेगा एक लीरी और याद कर लो लीरी तो बच्चे जो औरत था ना, इस औरत का नाम था लीरी अब ये लीरी हमेशा क्या रहती है डाउटफुल रहती है ये जो लीरी थी ये हमेशा डाउट में रहती मेरा आदमी कहा जाता होगा क्या करता होगा है आज बच्चे तो देखो लीरी हमेशा डाउटफुल में रहती है और फिर डाउटफुल में रह के गाना गाती है डू 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 डूबा ऐसे गाना गाती है हाँ भाई लीरी डाउट में रहती है यानी डाउटफुल रहती है और फिर डाउटफुल में रह के घर पे रह के गाना गाती है कौन सा डू डू डूबा वाला है ना तो डूबीस डूबीस ये सोचने में डूब जाती है लीरी डाउटफुल होके डूब जाती है डूबीस डूब जाती है तो बच्चे अब याद रहेगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा बिल्कुल याद रहेगा इन वर्ड को रहना पड़ेगा याद बच्चे पागल हो हमें याद करना है वो केप तो के समझो बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए तुम्हारे चलो बच्चे मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दिया करो अच्छा अच्छा एक बात बताओ ये 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 तो याद रहेगा अगर अच्छा, अगर 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 मान मान लो लो बावली बावली सीजीएल की तैयारी कर लेती हा भाई सीजीएल कर लेती सीपीओ कर लेती या सी एच एस एल कर लेती और तो और अगर ये अपना एल्फा बेच ज्वाइन कर ले अगर मान लो अगर ये अपना एल्फा बेच ज्वाइन कर ले तो बच्चे एक बात बताओ क्या इसके पास टाइम रहेगा संदेह करने का नहीं ना इसको पता सुबह आठ से लेकर बारह बजे तक तो क्लास चलेगी अब ये खाना भी नहीं बनाएगी तो इसके पास टाइम ही नहीं रहेगा तो बच्चे इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जहां जा रहा है अपने में हैं अपनी तैयारी करनी है तो ये क्या बन जाएगी ट्रस्टिंग ये क्या बन जाएगी ट्रस्टिंग बन जाएगी या क्रेडुलस बन जाएगी यानी विश्वास करने वाली बन जाएगी यानी बिलीविंग अब ये तो याद रहेगा ये तो याद रहेगा अब क्रेडुलस का जिसपे विश्वास किया जा सके करेडुलस ये बहुत आता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है करेडुलस करेडुलस तो फटाफट बताओ याद हो गया मान के सर आप कर मानना पड़ेगा मुझे नहीं बच्चे अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो ना तो मैं पिटूंगा तुम्हें पकड़िए फिर बच्चे जो जोर जो इतना पागल पड़े अब बताओ कौन ऐसे पढ़ाता है पागल हो गया देखने वाला अगर कोई मेरे साथ का देखेगा ना वो कहेंगे भाई वो पागल हो गया है मास्टर पागल हो गया यही तो कहेंगे बट बच्चे अगर मुझे कोई लोग कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता बट तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए वर्ड ये एग्जाम में आएंगे सारे वर्ड चलो अगला देखो ये क्या कर रहा भाई अरे श्रम आदमी हाँ अब ये भैया देखो आ, इसकी कहानी सुनो ये वही है <laughs> यह लीरी ये है लीरी अब लीरी का आदमी घर आ गया अब लीरी का आदमी घर आ गया अभी लीरी है अभी अभी लीरी है अब इस आदमी घर आ गया अब लीरी तो बैठी बैठी संदेह कर रही है हैं? अब आती करेगी कि तूने फोन नहीं किया रामजादे अब खा तू मैं खाना मत दूंगे तुझे आ जा आज तू तो भूखा सो तूने फोन क्यों नहीं किया अच्छा फिर इसने का, फोन क्या पता है? इसने फोन करके कुछ कहा अब ये ले आया बुके हाँ भाई अब ये बुक ले आया अब बुक भैया इसको पता है कि फूल लड़किया फूल बस स्टार्टिंग में पसंद करते हैं लड़कियों को स्टार्टिंग में पसंद होता है फूल जैसे जैसे साल बीतती है ना फिर उनको कभी साड़ी कभी क्या अब इसने भैया बनारसी साड़ी मांगी होगी अब ये लेके नहीं आया अब ये नाराज हो गई लग रहा है नाराज होगी अब ये कान में क्या कह रहा है अब ये कान में कह रहा है कि जानू आ आज आज ना फूल से काम चला ले कल तेरे लिए पक्का बनारसी साड़ी लाऊंगा कल तुम्हारी लिए बनारसी साड़ी लाऊंगा तो बच्चे प्यारे लाल लाल अब अगला बड़ा सिल्क सलकी सल सलकी 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 लीरी सलकी, सलकी, सलकी है सलकी हो जाती है लीरी है सलकी हो जाती है लीरी सलकी है सलकी हो जाती है सनकी है तो बच्चे सलकी का मतलब होता है नाराज सलकी का मतलब होता नाराज नाराज ठीक है ना भैया अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो भाई अगर सच में मजा आ रहा है तो लाइक कर दो है ना तो बच्चे सलकी सलके का मतलब नाराज सलके का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे नाराज ठीक है ना चलो अब सुनो मेरी बात अब इसको याद कैसे करेंगे सिल्क सिल्क से याद रखना है तो भैया सिल्क साड़ी नहीं खरीदने पर आपकी पत्नी आपकी पत्नी आपसे नाराज हो जाएगी तो इस पिक्चर में यही है अब इसने सिल्क की अब ये जो लीरी है लीरी ने क्या किया अपने आदमी से कहा मुझे बनारसी साड़ी चाहिए अब ये लाए नहीं सिल्क बनारसी सिल्क की साड़ी मंगवाई थी अब ये लाए नहीं तो भैया नाराज होगी याद रहेगा याद रहेगा बच्चे तो अब ये हो गया सल्की अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सलन अबे भाई जो सड़ बोलते हैं ना कि क्यों सड़ा हुआ है कभी कभार एक बात बताओ कुछ लड़के लड़कों की भाषा बड़ी अजीब होती है लड़कों की भाषा जो लैंग्वेज होती है बड़ी अजीब होती है।, है अगर लगता है ना भाई उनकी जो भी गर्लफ्रेंड है या भाई या बहन है तो है ना अगर वो नाराज हो जाते हैं क्या पूछते है? क्या बोलते हो फोन करके कि आज तो भाई सड़ा हुआ है।, है आज तो सड़ी हुई है सड़ी हुई का मतलब बोलते नाराज है बोल देते क्यों सड़ा हुआ भाई तेरे तू क्यों सड़ा हुआ है मतलब उनका मतलब होता है क्यों नाराज है तो बच्चे सलन सलन का मतलब सड़ना किस अंदाज में नाराज वाले में सड़ना है ना तो सलन ग्लूमे, ग्लूमे या है ना एक तो चेयरफुल यानी जो मौज मस्ती करता है एक होता है जो पूरे दिन ऐसे बैठा रहता, रहता है सड़ा हुआ होता है यानी कि नाराज से बैठा रहता है यानी चेयरफुल हो गया तो याद रहेगा है ना सलन और चेयरफुल याद रहेगा ग्लोमे और याद कर लो अब इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए बच्चे देखो चेयरफुल चेयरलेसरफुल हो टी गया या हो गया या कंटेंट वर्ड भी यूज करते हैं तो इसको तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है चेयरफुल ये अगर इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा तो ज्यादातर ये याद करना चीयरफुल चेयरफुल क्या तुम लोग अब देखो तुम सारे क्या हो हाँ सारे बढ़िया से हंस के पढ़ाई कर रहे हो इसके अंदर तो तुम चेयरफुल हो चेयरफुल हो और अगर मान लो मैं तुम्हें पढ़ाऊं अगर मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊं कि हाँ भाई प्यारे बच्चों एक वर्ड होता है सलकी सल्की होता है एडजेक्टिव नाराज इसका सीनो नेम होता है सलन ग्लूमी है चीयरलेस इसका होता है कंटेंट हैप्पी तो तुम क्या हो जाओगे तुम भी आराम से सड़ जाओगे नाराज हो जाओगे और दो चार ऐसे ऐसे कमेंट करके जाओगे हाँ मैं पढ़ूंगा तो अना लगेगा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने तो उसको बोलते हैं सलन ग्लोमी चेयरलेस बट फिलहाल तुम क्या हो भाई बहुत ही खुश हो बहुत ही खस हो बहुत ही खुश हो बच्चे आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगला ओ हो हो अरे वाह वाहिवाह इसका तो भैया अब खतना काम है इसका तो बहुत ही खतरनाक हम है अब इनको देखो इनको देखो महारानी को इन महारानी को देखो पहले और इसको देख के बताओ इसको देख के बताओ क्या नजर आ रहा है फटाफट बताओ इसको देख के क्या नजर आ रहा है फटा फटाफट बताओ बहुत बढ़िया बच्चे बहुत बढ़िया साबास well वेल्डन वाह बहुत बढ़िया अब देखो अब इसमें देखो ये लग रहा भड़कीली सी है भैया देखो इतना बढ़िया लाल पिंक पींग, इतनी पिंक की हो रही है ये तो भैया बहुत ही पिंक की हो रही है बहुत ही पिंक की हो रही है अब देखो ओहो पिंक है ना है ना पूरा देखो पिंक सा ओहो आंखें देखो महारानी की आंखें और तो लिप्स देखो पूरी पिंक पिंक हो रही है और ओहो इिंग्स में तो भैया चांद चार चांद लगा दिए इिंग्स ने तो चार चांद लगा दिए अब भैया कैसी लग रही है भड़कीली अभी कैसी लग रही है भड़कीली भड़कीली ये जो महिला है भड़कीली सी लग रही कि नहीं लग रही हाँ भाई अब देखो अच्छा राजस्थान हरियाणा में लड़कियों को क्या बोलते हैं गुड्डी हा भाई राजस्थान हरियाणा में ज्यादातर गुडी बोलते हैं और यूपी में भी, भी बोलते हैं गुड्डी है ना लड़कियों को गुड्डी बोल रहे हैं अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे ये जो गुड्डी है ये गुड्डी कैसी लग रही है हा भाई ये गुड्डी तुम्हें के देख के कैसे लग रही है भड़कीली पापा की परी हाँ भाई ये पापा की परी है पापा की परी है तो बच्चे देखो कहने आ कितनी है पार्टी में जा रही है क्या पता इसकी शादी है और हेयर स्टाइल तो करने की जरूरत ही नहीं है हाँ भैया मैडम को गुड्डी को हेयर स्टाइल तो करने की जरूरत ही नहीं है तो बच्चे जो गुड्डी है कैसे लग रही है भड़कीली यानी इसने भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं तो देखो आज का तीसरा वर्ड गोडी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिख लेना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है गोडी गोडी का मतलब क्या होता है भड़कीला है ना जैसे कभी कहा होते हो ना भड़क जाते हो जैसे कभी कहा तो मैं भी भड़क जाता हूं है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट गलत करते हैं तो मैं उन पर भड़क जाता हूं कि पढ़ लो को क्यों मारूंगा तो मैं कभी कभार भड़केला हो जाता हूं यानी मैं भी क्या हो जाता हूं हु? गोडी हो जाता हूं और कभी कभार तो तुम भी हो जाते हो कि सर ऐसे नहीं पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे हमें ऐसे पढ़ाओ हमें मैथ्स नहीं पसंद हमें इंग्लिश पसंद नहीं है कभी कभार तुम भी गोडी हो जाते हो तो गोडी का मतलब बच्चे भड़केला है तो हमारी गाडी हमारी गाडी बहुत भड़कीली है या लिख दो हमारी गुड्डी ये ज्यादा सही रहेगा हमारी गुड्डी बहुत बड़कीली है कि भैया ये हमारी गुड्डी है और ये हमारी गुडी बहुत ही बड़कीली है और इसको क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे अच्छा देखो फ्लोरिड बहुत ही अच्छा है फ्लोरिड यानी फ्लोरिड का मतलब कोई ऐसी चीज जो भड़कीली चमकीली टाइप की, की कुछ ज्यादा ही चमकीली होती है वो भड़की भड़की सी लगती है तो उसको बोलते हैं बच्चे फ्लोरिड यानी बहुत ही ज्यादा चमकीली जैसे इसने ड्रेस पहन पहनकी है जैसे इसने ड्रेस पहन की बहुत ही चमकीली भड़कीली टाइप की तो उसी को क्या बोलते हैं फ्लोरिड अच्छा सोवी वलगर वलगर तो याद रहेगा ही वालगर तो याद रहेगा सोवी भी याद रहेगा अब ये दो फ्लोरिड भी याद रहते हैं फिर भी कर लो अब ये और याद कर लो तो बच्चे की जो गुगाई है गरिश की लुगाई ये बहुत बड़की ली है ऐसे याद कर लो ग्रीस की लुगाई बहुत ही बड़की ली है ग्रीस की लुगाई बहुत ही बड़की ली है तो बच्चे गरिस फ्लोरिड सोवी वलगर अच्छा इसका अगर ऑपोजिट देखें तो बिल्कुल प्लेन साधारण रहते है ना यानी ज्यादा वो मेहनती ज्यादा कोई दिखावे कपड़े ना पहना बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए और ये ऐसा ही होना चाहिए हमेशा सिंपल रहो बच्चे है ना कभी दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं ये पहन लूंगा मेरे पास है ना ये है मेरे पास हुआ आराम से बस नॉर्मल कपड़े पहनो अच्छे लगते हैं ना सिंपल ही ज्यादा बढ़िया रहते हैं तो प्लेन सिंपल या नॉर्मल अब इसका एंटोनिम नहीं आता जब भी आता बच्चे इसका सिनोनिम आएगा जब भी एग्जाम में आता है इसका सिनोनिम आता है ज्यादातर सोवी वलगर और फ्लोरिडिया आते हैं बट गेरिस भी याद रखना है तो बताओ बच्चे पापा की काली परी भाई काली मत बोला करो रे लड़की है काली तो क्या हुआ अभी काली तो क्या है दिलवाली दिलवाली लग रहा दिल है कितनी शादी में कितनी की जा रही है चलो काले हवे बोलते काले हुए काले हवे तो का हुआ है तो दिलवाले काहे जिस पर सबकी नजर हो हमारी नजर नहीं पड़ती उस पर है अरे तू पिटेगा मुझसे अरे इसको पकड़ के पिटो रहा सारे मिलके इसको गिरा गिरा के तोड़ना पड़ेगा आ आजा भाई तुझे दिल्ली आजा है ना तुझे बढ़िया से मैं पार्टी दूंगा बढ़िया खाना खिलाऊंगा है ना गिफ्ट वगैरह देके भेजूंगा एक बार तू दिल्ली आजा है? आजा बच्चे बहुत बढ़िया ये कौन कह रहा है सर यू आर नॉट सिंपल सिंपल अब मुझसे कौन रहेगा बच्चे भाई आ देखो आराम से कुछ दिख रहा है, है? नॉर्मल से कपड़े हैं और तो और मैं तो ये भी रखता हूँ हो डे कर बाहर निकलता हूँ तो लोग घूर के देखते हैं कि वो कहाँ से आ गया भाई गाँव का आदमी अब इनको ये नहीं पता भैया गाँव वाले हो तो क्या हुआ है तो दिल वाले गांव वाले हुए तो क्या हुआ है तो दिल वाले आज तो देखो पेजोरेट अगला पेजोरेटिव 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 इसका मतलब क्या होता है अब पजेरो 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 याद रखना पजेरो कार होती है ना अच्छा कभी कार देखा होगा कि जो महंगी महंगी कार रखते हैं ना वो है ना ऐसे जो छोटे मोटे कार वाले होते हैं या साइकिल वाले उनके आगे आगे ऑटो वाले आगे उनको गाली देते हुए चलते हैं घमंड में कि भाई हमारे पास तो पजेरो है कि तुम साइड में हो जाओ हैं एट हैंड्रेड वाले मेरे जैसे अल्टो वाले साइड में हो जाओ भाई मतलब ऐसे होते ही है तो पजेरो रखने वाले जो पजेरो गाड़ी चलाने वाले हैं वो क्या होते हैं वो निंदात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं निंदात्मक मतलब अनप्लीजेंट जो वर्ड यूज करते हैं घृणा निष्पद होते हैं अनप्लीजेंट वाले तो ऐसे आदमी जो अनप्लीजेंट होते हैं उसको बोलते हैं पेजोरेटिव है ना पेजोरेटिव यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा अनप्लीजेंट टाइप का तो पेजोरेटिव क्या तुम्हें से कोई लोग है क्या तुम्हें से कोई बच्चा ऐसा है जो पेजोरेटिव हो नहीं हो तो अभी क्लास के बाद मम्मी मम्मी के पास जाना कि बोला कि मम्मी, आपको पता है ना तो आप पेजोरेटिव हो ना पापा पेजोरेटिव है ना मैं पेजोरेटिव हूं ना अपनी बहन पेजोरेटिव है ना भाई है अपने आप याद हो गया जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना आज बच्चे सर सर पुष्पा को कॉपी कर रहे हैं क्या अरे बच्चे पुष्पा तो अभी आई है हाँ भाई पुष्पा तो अभी आई है एक दो महीने पहले मेरा जो लुक है ये समझ लो जो पुराने बच्चे उनको पता ही है हाँ भाई पिछले एक साल से मेरा यही लुक चल रहा है तो बच्चे हम किसी को कॉपी नहीं करते मैं जो करता हूँ फिर वो लोग करते होंगे वो अलग बात है बाकी कॉपी करने में कोई बुराई भी नहीं है अगर मान लो भाई मुझे अलवर्जन पसंद है तो भाई मैं भी कर लू डेली है पुष्पा पुष्पराज है अब फिर मैं कहूंगा पढ़ाऊंगा नहीं साला से है तो चलो भाई कॉपी करना अच्छे लोगों को कॉपी करने में बुराई भी नहीं है सच्चाई है अगर मान लो भाई तुम्हें लगता है सुभाष चंद्र बोस बढ़िया फॉलो करो भगत सिंह मैं भगत सिंह का फॉलोवर हूं तो भैया कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है अगर जो हमसे बड़ा है और महान लोग हैं जिनको भाई हम अच्छा मानते हैं उनको फॉलो करो उनको कॉपी करो कोई बुराई नहीं, नहीं है बच्चे इसमें कोई बुराई नहीं है आज तो पेजोरेटिव को हम नींदात्म अनप्लीजेंट ठीक है ना अब देखो डेरोगेटरी ये वर्ड मैंने शायद करवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसके जो ऑप्शन दिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरोगेटरी का नाम सुना होगा डेरोगेटरी कभी भी पढ़ाया होगा मैंने अभी डेरोगेटरी है डेरोगेटरी निराशाजनक अच्छा इसमें देखो मैंने करवाया था दरोगा तोरी इसकी ट्रिक मैंने करवाई थी दरोगा दरोगा तोरी दरोगा तोरी ये हो गया तोरी अच्छा वो सुना होगा कि ए, कौन सी है सिम्बा मूवी है सलमान खान की जिसमें गाता है तोरी नैना बड़ी दगाबाज दगाबाज है और उसमें वो गाना आता है उसकी कमर के पास ऐसे जाके मारता है कौन से मुहे पता नहीं तो वो जो दरोगा है दोरोगा ha, है वो इस हीरोइन की जो कमरिया है उसको कैसे देखा था भाई है कैसे नजर से देखा था अपमानजनक तरीके से देखता है तो भाई दरोगा तोरी दरोगा तोरी कमरिया को दरोगा तुम्हारी तोरी कमरिया को अपमानजनक तरीके से देखता है तो बच्चे डेरोगेट्री का मतलब अपमानजनक अनप्लीजेंट यानी अपमानजनक जनक अपमानजनक हो जाएगा इसका ठीक है तो ये याद रहेगा डेरोगेटरी भी याद रहेगा डेरोगेटरी डेरोगेटरी डेरोगा दरोगा तोरी कमरिया को कैसे देखा था भाई अपमानजनक तरीके से देखा था है। अब इसका देखो डिबेसिंग डिबेसिंग है डिबेसिंग डिबेसिंग ऐसा लग रहा है कोई लड़के का नाम है तो भैया जो डिबेसिंग है ना सबको अपमानजनक से देखता है है? डिबेसिंग 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 है जो डिसू डिसू डिबेसिंग करता है वो अपमानजनक तरीके से देखता है, है या देखो डेरिसी है देरिसी देरिसी भैया देरिसी देरिसी इसके एक कंटाप पे ये सबको क्या देखता है अपमानजनक से देखता है हा भैया ये जो है दबंग याद कर लो भाई दबंग दिबे से दबंग याद कर लो कि बच्चे दबंग मूवी में दबंग मूवी का जो दरोगा है वो हीरोइन की कमरिया को उनकी तोरी कमरिया को अपमानजनक से देखता है तो देर इसको थप्पड़ देर इसको कंटाप देर इसको कंटाप लाइव है इतने कहां से आ गए इसका मतलब भैया मेरी बातें सबको चुप गई हैं जो मैंने कल बोली है ना कि पढ़ना पड़ेगा बच्चे तीन चार महीने पढ़ना पड़ेगा बच्चे बहुत बढ़िया तो करना है तो बच्चे दे अब देखो दबंग का जो हीरो है दरोगा है वो अपमानजनक से क्या करता है तो रिकमरिया को देखता है तो देषि के कंटाप है तो देषि हो जाएगा ना अब इसका ऑपोजिट देखें भाई प्रेजिंग जो प्रशंसा करता है है ना अपमानजनक से नहीं देखता है कॉम्प्लीमेंट्री तो ये तो याद रहेगा है ना और देखो पॉजिटिव ये भी याद रहेगा तो इसमें प्रेजिंग और कॉम्प्लीमेंट इसका याद रखना है तो बच्चे चार वर्ड याद हो गए अगला देखो लास्ट आज देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम सही टाइम पे क्लास भी खत्म होगी आधे घंटे 25 वन वर्ड की प्रैक्टिस और पांच सिनोनिम पांच का मतलब इसके साथ तीन तीन चार चार ही तो कम से कम पच्चीस तीस वर्ड याद हो गए तो चलो भाई ये लास्ट का एक वर्ड और देख लो पहले इस महारानी को देखो हा भाई बोल दो कोई बात नहीं अपने बच्चे सुनो तो रे सर नाम क्या होगा महेश सर की अभी स्टैटिक जीके की क्लास होगी तो सारे बच्चे जरूर देखना भाई अपने हैं बहुत ही शानदार तरीके से स्टेटिक जीके पढ़ाते तो उनकी क्लास में देखना तो भैया इन महारानी को देखो हाइजीनिक लड़की देखने में तो ठीक लग रही है भाई है। देखने में तो ठीक लग रही है चलो अब देखो ये भैया माई ये कौन है कोई भी लड़की है अभी एक घर से बाहर निकलती भैया एसी में रहने वाले अभी जो लोग एसी में रहते हैं महलों में रहते हैं उनको क्या पता हम जैसे लोगों के मजे हम तो गांव में आराम से ना ऐसे रहते हैं भाई आम भी खाते ना तो ऐसे पूछ पाछ के खा लेते हैं है? अब ये भैया लड़के हाइजीनिक अब इनको लड़कियों को तो खासकर ज्यादा बदबू आती है ना कहीं भी लड़कों को देख लो देख इसने दियो नहीं लगा रखा है लड़को की गांव का आदमी तो देख लो तो इनकी नाक बंद हो जाती है गांव वाला इनको क्या पता असली गांव वाले क्या होते हैं कोई इनको समझाओ चीख नहीं रही है ये अपने नाक बंद कर रही है यानी इसको कहीं कहीं बदबू आ रही है इसको कहीं कहीं बदबू आ रही है चलो भाई बदबू आ रही तो देखते हैं तो देखो एक होता है नोइसम नोसम अगला वर्ड है बच्चे नोइसम 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 का बहुत ही प्यारा वर्ड है भाई बहुत ही प्यारा ये एस एस सी में आए हुए हैं जितने वर्ड करा रहा हूं या द हिंदू में आते रहते हैं ये जितने भी वर्ड करा रहा हूं बच्चे ये द हिंदू में या फिर जो प्रीवियस ईयर के ना वही देता हूं मैं तुम्हें फालतू के वर्ड नहीं करना मैं है ना एक और पापा की परी चल बच्चे अब ऐसे लड़कियां ठीक भी होती हैं रे कभी कभार देखा जाए तो लड़कियां ठीक भी होती है हाइजीनिक होना भी चाहिए हम लड़के सुगले होते हैं

दार बदबूदार है ना बहुत गंदा तो बच्चे अब देखो नया जाम नया जाम पार्टी में जो नया जाम बना था वो बहुत ही गंदा बदबूदार था है नोइम है तो नोइज याद रहेगा बदबूदार गंदा सा फील है ना अब देखो अब अनप्लीजेंट वही हो गया निराशाजनक है ना गंदा सा या ऑफेंसिव कितने वर्ड करवा दिए मैंने कितने वर्ड करवा दिए ऑफेंसिव है बेनफुल बेनफुल है बेन ना बेनफुल तो अच्छा एक वैसे भी याद कर सकते हो भाई जो नॉइज करते हैं ना जो नॉइज करते हैं बच्चे तो उनको क्या कर देंगे उनको हम बैनफुल बना देंगे ना offensive, unpleasant होते हैं जो noise करते हैं जो करते वो अनप्लीजेंट होते हैं ऑफेंसिव होते हैं बैनफुल होते हैं उनको बैन कर दिया जाए और इसकेगा सिनो, प्लीजेंट या फिर एरोमेटिक एरोमेटिक मतलब जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोलता है बेफालतू की बात नहीं करता है एग्जाम्पुल में अमन भैया <laughs> एग्जाम्पल में अमन भैया लोग डिमोटिव करते हैं तो मैं बोलती हूं झुकूंगा ना ना वाह वाह भाई सही बात है मैंने उस दिन क्या डायलॉग बनाया था नया हम कॉपी नहीं करेंगे हम अपना नया डायलॉग बनाया था क्या कहा था असस्सी असस्सी राज मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं इस सला को है तो ये करा करो पूरी दिन इस बार छोड़ना नहीं है, है? सी सीपीओ एम छोड़ेंगे नहीं साला इस बार है तो बच्चे लग जाओ बढ़िया तरीके से तो ये अपनी क्लास होगी और जिन बच्चों को बच्चे जिन बच्चों को अगर सी एच एस एल का क्रेस कोर्स लेना है सौ दिन का यानी सिलेक्शन की हंड्रेड परसेंट अगर सिलेक्शन लेना है तो बच्चे अल्फा अल्फा जरूर ज्वाइन कर लो पुराने बच्चों को तो मैं कल बता चुका हूं और जो नए बच्चे हैं उनको भी बता रहा हूं बच्चे अल्फा एल्फा शुरू हो रहा है ये समझ लो इसमें इतना शानदार फीचर्स होंगे ना एक बार करके देख लो ज्वाइन बच्चे मैं कह रहा हूं एक बार ज्वाइन करके देख लेना जो बच्चे नए मैं कह रहा हूं बच्चे इसमें जीएस रीजनिंग मैथ और इंग्लिश इतने शानदार तरीके से होंगे ना मैं तुम्हें देखो ज्यादा बोलते ना अगर हम ज्यादा बोलते तो लगेगा हाँ कि भाई ऐड कर रहा है वो कर रहा है तो बच्चे मैं जब मैं बोल रहा हूं तो ये समझ लो है ना ले सकते हो है ना मेरे पे तुम विश्वास कर सकते हो तो चलो बच्चे बढ़िया तरीके से मजे से आ गया है है ना तो बढ़िया तरीके से हमने पढ़ लिया है ये वन वर्ड हो गए हैं तो डेली ऐसे करेंगे ना डेली बीस पच्चीस की प्रैक्टिस और ये चलता रहेगा है ना इसमें कभी आज तो ये समझ लो आराम से अप्रैल तक अप्रैल तक बच्चे इतने वर्ड करा दूंगा अपने आप बढ़िया से मजा आएगा तुम्हें बढ़िया से मजा आएगा ठीक है तो और बताओ भाई सब ठीक ठाक हो तो लगे रहो बच्चे और एक बात और है बच्चे एग्जामपुर में जितनी मेहनत हो रही है ना मैंने सच में इतनी मेहनत कभी करी भी नहीं हुई पिछले दस ग्यारह साल में है ना यहाँ पे तो बहुत सच में मेहनत भी करनी पड़ती है और तुम बच्चों का जो प्यार मिलता है बच्चे मोर मजा आता है है ना तो जितने भी तुम्हारे घर में मेमर है जो भाई एस एस की वजह है अगर मान लो भाई तुम्हें सी की तैयारी करनी करने होना जो बच्चे राजस्थान के हैं राजस्थान के जितने भी कोर्स हैं तो भी उनकी अलग से होती है राजस्थान एग्जाम्पुर के नाम से बिहार के बच्चे बिहार एग्जामपुर है उसको देखो झारखंड वाले बच्चे झारखंड एग्जामपुर है उसको देखो है ना हर एक स्टेट का अलग अलग बनाओ बच्चे ना ना सारे देखा करो करो बढ़िया से है आ, टीचिंग है अगर तुम्हारी कोई भाभी है आ, लड़के तो बताए देंगे अभी लड़कों की तो अच्छी बनती है अपने भाभीों के साथ तो भैया अपने भाभी को बोल दिया करो रे अगर जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे टीचिंग एग्जाम्पुर का है तो बहुत ही एकदम बढ़िया टीम है सारी तो कर सकते हो ये समझ लो इंडिया का जो भी कोर्स है ना बच्चे जो तुम्हारे भाई बहन है जो ग्यारह बारहवीं में है एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं एनडीए की तो उसका है है डिफेंस वॉरियर्स ना सब अपने एग्जाम्पल पे हर एक तरीके का कोर्स मिलता है यहां तक कि नीट का भी मिलता है ठीक है ना तो चलो फिर एकदम शानदार बढ़िया तरीके से रहो है ना बढ़िया से रहो ठीक है बच्चे और खुश रहो बच्चे खुश रहकर तैयारी करनी है बस डेली जो मैंने बताया था मैथ्स के डेली के पचास क्वेश्चन करो रीजनिंग के पचास क्वेश्चन करो जीएस के एक सब्जेक्ट पहले एक ही सब्जेक्ट लेना है और करंट अफेयर सारी चीजें एक एक साथ नहीं नहीं करना है 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 बाकी जो है ना पे तो तो तुम्हें करने की जरूरत तो ये हर टीचर का टारगेट रहेगा डेली पचास पचास क्वेश्चन कराना डेली का पचास पचास क्वेश्चन कराना ये हर टीचर का टारगेट रहेगा तो एल्फा में तो तुम्हें खुद को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है ठीक ना चल जाओ चलो बच्चे पड़ोसी की भाभी को भी बोल दूंगा नालायक चलो भाई आ, तुम लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया मन लग जाता है तुम्हारा जोश देख के बच्चे मेरे अंदर भी बहुत बढ़िया जोश आ जाता है अब बच्चों बताओ चार सौ इकसठ बच्चे जुड़े हुए हैं तो बच्चे जो अभी अभी आए हैं तो बच्चे या हम करते हैं ठीक है ना तो वॉके बढ़िया से ट्रिक के साथ हमें पढ़नी होती है तो जितने भी बच्चे है ना तो एक तो एक बार तो बच्चे क्या करना है अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो जो बच्चे न्यू हैं बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो और अगर लाइक करो तो बच्चे लाइक भी कर दो है ना वो तो तुम्हारी मर्जी है लाइक करो तो वो बच्चे तुम्हारी मर्जी है ठीक है तो इसी के साथ फिर आज की कार्रवाई खत्म करते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अंदाज के साथ नई उम्मीद के साथ जुड़े रहो बच्चे एग्जामपुर पे इंग्लिश विद विकास आठिया तब तक बच्चे जय हिंद जय भारत